हेलो एवरीवन, ये सब्जेक्ट है ड्यू डिलीजेंस का जो सब्जेक्ट है, तो उसका भी एक मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दे देता हूँ जो आपको रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा होगा, लास्ट डे रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। सो यहाँ पे भी आपको मैं ऑलमोस्ट सारे के सारे 19 चैप्टर्स जो आपके सिलेबस के हैं, जो न्यू सिलेबस के हैं, जो वो मैं आपको कवर अप करके दे रहा हूँ कि आप लास्ट डे मोमेंट पर इतना स्टडी करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस का हम लोग क्विक एक रिव्यू लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे सब्जेक्ट के अंदर। सो स्टार्ट विद द चैप्टर वन, उसमें है कंप्लायंसेस फ्रेमवर्क। उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस रिस्क, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम। देन कंप्लायंसेस है चैप्टर नंबर टू, उसके अंदर है प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस रिपोर्टिंग, कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड अगेन अंडर LODR रेगुलेशन 2015। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सेकेंड चैप्टर। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, दैट इज डिस्क्लोजर टू बी मेड एट अ वेबसाइट ऑफ द कंपनी, अगेन ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर टू के अंदर सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो वो है क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करना है। क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर देखोगे ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस है, सारे के सारे रेगुलेशंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक CAS का जो जॉब होएगा, आपका जो प्रोफाइल होएगा, आपका जो काम होएगा, उसके अंदर आपको डे टू डे लाइफ में अगर आप लिस्टेड कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा काम भी आने वाला है। इसके लिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन चैप्टर थ्री, डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। उसके अंदर है वर्चुअल एंड फिजिकल डेटा रूम कंपैरिजन, क्योंकि देखो आप दोनों अलग अलग पढ़ोगे, इससे अच्छा आप डायरेक्टली कंपैरिजन ही पढ़ लो तो आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। एंड कोडिंग एंड नोमेनक्लेचर, उसमें खाली फाइल स्टोर करने का तरीका क्या होता है, क्या नेमिंग यूज होना चाहिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तो वो एक खाली आपको रीड करना है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काउंट नहीं होता है, बट फिर भी आप उसको छोड़ना मत, ऑप्शन में मत छोड़ देना। देन चैप्टर नंबर फोर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अंदर है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस, सर्च ऑफ चार्जेस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, सर्च रिपोर्ट अंडर IPR लॉज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस सर्च रिपोर्ट। देन चैप्टर फाइव इज KYC। सो KYC के अंदर टाइप्स ऑफ KYC एंड रिस्क अपॉन ड्यू KYC, ये अच्छा से आपको रीड करना है। देन साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन, ये अगेन एक छोटा है, को इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है और ऑब्वियसली देना भी चाहिए, बट ऑप्शन छोटा चैप्टर तो सजेशन पढ़ लो, वो ज़्यादा बेटर है। वो एक क्या है तो फिर डूज एंड डोंट्स फाइल फिलिंग एंड द फाइलिंग ऑफ द फाइलिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेशन, फिर यहाँ पे आप स्किप करोगे एक बार चल जाएगा, बिकॉज पीयर रिव्यू के ऊपर चैप्टर है, आप एक बार ऑप्शन में उसको छोड़ सकते हो। देन साइनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द एनुअल रिटर्न। देन चैप्टर सेवन, रोल ऑफ CS इन प्रैक्टिस, उसका क्या क्या स्कोप है, क्या क्या एक्टिविटीज लीगल फ्रेमवर्क में वो क्या है, वो पूरा यहाँ पे इन डेप्थ अच्छे से पढ़ना है आपको। देन चैप्टर एट इज ऑडिट, उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट, इनसाइडर ट्रेडिंग ऑडिट एंड ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अच्छे से पढ़ना है। दैट इज द ICSI ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नाइन, सेक्रेटरियल ऑडिट्स, उसमें अंदर है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल एंड द सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट। देखो यहाँ एक चीज आपको, ये फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको मैं एक चीज के लिए काम आता है, आपके अंदर जितने भी आपको फॉर्मेट दिए हैं ना, वो सारे के सारे आपको फॉर्मेट पढ़ने हैं। चाहे मैंने यहाँ पे किया है इससे कोई आपको सारे के सारे फॉर्मेट अच्छे से पढ़ के जाने हैं। पीयर रिव्यू का अगर रिपोर्ट है तो उसका फॉर्मेट, सेक्रेटरियल ऑडिट है तो उसका फॉर्मेट, CSR उसका फॉर्मेट, उसके रिपोर्ट का फॉर्मेट, सारे रिपोर्ट्स जो भी रिपोर्ट के हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वो लोग सीधा फॉर्मेट पे भी पूछेंगे कि आपके बोर्ड को अपग्रेड करना है अराउंड फॉर रिगार्डिंग
आपका फॉर्मेट बन, ठीक है, वो चीजें आपको फिर रिपोर्ट कैसा है मुझे पता है कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, तो मैं उसको ऐसे ही लिस्ट बना के नहीं ले सकता, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि लीगल लैंग्वेज एड बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट होना चाहिए, तो इसके लिए आपको सारे के सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से रीड करने हैं। देन चैप्टर 10 इंटरनल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, उसके अंदर है अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन बाय एन ऑडिट। चैप्टर 11 बोर्ड इंडिपेंडेंस एंड गवर्नेंस, ऑडिट एंड टेक ओवर ऑडिट। चैप्टर 12 ऑडिट एंगेजमेंट, ये बहुत इजी चैप्टर है, सो इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मॉडल एंगेजमेंट एग्रीमेंट। अगेन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी एक फॉर्मेट दिया है आपको मॉडल के अंदर, तो वो फॉर्मेट आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 13 ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसके अंदर ऑडिटिंग टेक्निक्स, एसेंशियल्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग, सैम्पलिंग, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स ओपिनियन, क्रिएशन ऑफ ऑडिट ट्रेल्स एंड मटेरियलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन जो 6 है को कुछ अराउंड 2-3 13 वाला पढ़ना, वो ज्यादा अच्छे से प्रॉपर इजी लैंग्वेज में अच्छे से समझ जाएगा आपको, तो आप वो रेफर कर सकते हो। देन चैप्टर 14 ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोग्राम, क्रिएशन ऑफ मास्टर चेकलिस्ट, टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, ये ऑडिट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो वर्किंग पेपर्स के है, उसमें टेम्पररी परमानेंट वर्क फाइल्स बनती है, वो सब की डिटेल्स है यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 15 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग, उसमें फॉर्म्स ऑफ ओपिनियन एंड थर्ड पार्टी रिपोर्ट और ओपिनियन। देन चैप्टर 16 फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, उसके अंदर है टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड एंड सस्पिशन, ये एक चीज पढ़नी है। देन क्वालिटी रिव्यू, के अंदर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर प्रोसेस, पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड रिव्यू प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था कि पूरा चैप्टर है पीयर रिव्यू के ऊपर, तो आगे जो एक छोटा टॉपिक था पीयर रिव्यू वो नहीं पढ़ोगे तो आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाता है पीयर रिव्यू पे, तो वहाँ पे पढ़ लिया तो वहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। देन चैप्टर 18 दैट इज वैल्यूज एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट, उसमें है टाइप्स एंड ब्रांच ऑफ एथिक्स, एथिकल प्रैक्टिसेस एंड ICSI कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे चैप्टर 19 दो पार्ट में डिवाइड होता है, DD1 DD2, ठीक है। सो फर्स्ट DD1 में जो है फैक्टर्स टू बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल कंडक्टिंग ड्यू डिलिजेंस एंड स्टेजेस प्रोसेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस, और दूसरा है DD2, उसके अंदर है नॉन कंप्लायंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है जो कंपनी लॉ में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एंड थर्ड इज अ पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर द सेबी एक्ट 1992। यहाँ पे आप देखोगे ना DD2 का जो एंड ऑफ द चैप्टर का जो पार्ट है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अराउंड कुछ 70 के आसपास टेबुलर फॉर्म में सब पेनल्टीज मिलेगी, यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पेनल्टी पार्ट। देखो कुछ लोगों को लगता है इतना कैसे पढ़ के होगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है आप नहीं पढ़ सकते इतना सारा, एटलीस्ट 10-15 बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कोई भी ये एक्ट के अंदर इसके अंदर कोई भी 8 पेनल्टी, 5 पेनल्टी, 10 पेनल्टी प्रिस्क्राइब करो, तो आपको एटलीस्ट 15 सेफर साइड आप पढ़ के जाओ, क्योंकि आप 15 पढ़ोगे तो आप 10 याद रखोगे, तो आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो बेटर है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप 75 पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन इतना याद रखना खाली पेनल्टीज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप एटलीस्ट 15 कोई भी अच्छे से जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है वो आप अच्छे से एक बार रीड कर लो, ठीक है। सो ये था चैप्टर 19 का डीडी का पार्ट 2 वाला। सो यहाँ पे ये आपका पूरा सिलेबस कवर होता है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेक श्योर दैट, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेक श्योर दैट कि आप ये लास्ट मोमेंट लास्ट डे पे स्टडी करो, एक दिन में पूरा सिलेबस नहीं होता है, तो इतना पढ़ के जाओ, पूरा मॉड्यूल आपको पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया है, फिर ये क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस पे समझ के आपको ध्यान देना है, खाली ये क्वेश्चन के ऊपर अगेन आई एम सेइंग दैट रिलाय मत करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको हमारे ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें,
और सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर हम लोग जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आपको सारी उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो आपका एक भी वीडियो मिस आउट नहीं होगा। और हो सके उतने मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन परचेस करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट is.rediff.in पे भी जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप हम लोग वहाँ से कम्युनिकेट भी आप डायरेक्ट हमारे साथ कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, सो होपफुली आपको ये बहुत हेल्प करेगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।